हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रामचंद्र और आज मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद, क्योंकि आज है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज हम मुरादाबाद जाकर लगाएंगे पेड़, और बरेली जंक्शन से लेके मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बीच जो जर्नी होगी उसका भी ब्लॉग बनेगा और इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो अब मेरी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बेटर आ रही होगी आई होप, क्योंकि मैंने अब बोया Y1M1 का माइक जो है लगा लिया है, और जो स्काउट के लोग हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अभी मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। वो दिख गए मेरे, वो सामने भैया भी आ रहा है वो उधर से। तो चलिए आप सीधे चलते हैं उधर के लिए। ये अपने ग्रुप के लोग हैं सब। तो अब यहाँ से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होगा नॉर्दर्न रेलवे के आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। तो एक आध सीट पकड़ के हम लोग बैठ जाएंगे और अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। रुक गई। ट्रेन रुक चुकी है चलकर। ब्रेक चेक करते हैं। जब ट्रेन एक बार चलती है तो ड्राइवर साहब जो होते हैं वो ब्रेकिंग एप्लीकेशन को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आला हजरत जो ट्रेन है तो आला हजरत ट्रेन का यहाँ पर मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो इस वजह से एक बार चला के रोकी जाती ट्रेन। और इस वक्त हम बरेली पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बरेली जंक्शन का ये केबिन है ये अब बंद हो चुका है, और किसी की KTM खड़ी हुई है। ये जो आप जो कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं ये मुरादाबाद के कूड़े का पहाड़ है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इसकी डालियां काटी गई हैं। कहने का मतलब ये है पेड़ कट रहा है और कूड़े का पहाड़ बढ़ रहा है। कटा हुआ पेड़ काफ़ी ऊपर तक डालियाँ काटी गई हैं इस पेड़ की, और वहाँ नीचे भी कटा हुआ पेड़ पड़ा है वहाँ पे। झूठ बोल रहा हूँ तो
तो अभी ये मुरादाबाद से पहले और रामपुर के पास खड़ी हुई है ट्रेन भी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन अभी आया नहीं है। तो अभी आपने देखा कूड़े का पहाड़। कूड़े के पहाड़ के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पर्यावरण दिवस है और अभी हम जा रहे हैं मुरादाबाद पेड़ लगाने के लिए जा रहे हैं। ये रेलवे नॉर्दर्न रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो कटा हुआ पेड़ और कूड़े का पहाड़, ये दोनों चीज़ आपने देख ली। अभी आप पेड़ लगते हुए देखेंगे क्योंकि आज है पर्यावरण दिवस। तो चलिए आज अब हम मुरादाबाद स्टेशन पर उतरने वाले हैं क्योंकि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन आने वाला है। अब मुरादाबाद आ चुका है और ये पाखाने का शीशा अभी भी साफ है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी की आगे बढ़ेगी और ये पाखाने का शीशा गंदा होता जाएगा और दिल्ली के बाद तो बहुत ही गंदा हो जाएगा। रोको तो तभी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के आगे से लूँ मैं इन लोगों को, बिना रुकेंगे। अच्छा चलो हो गई, चलो भैया बहुत देर लगेगी, नींद आ रही है। ले अब तो देख लाइन में चलती हुई आ गई, अब तो हाथ हिलाएंगे ये। ये भैया चीफ मिनिस्टर, तो देख सकते हैं पीछे रहा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। ये देखिए फ्रेंड, रेलवे स्टेशन से जब आप इस तरफ से आते हैं तो भगवान महर्षि वाल्मीकि मार्ग है, ये इधर से जाता है बिल्कुल सीधे। फिर इसके बाद ये जो इधर के लिए आप देख रहे हैं लाइनें लगी हैं, वो रेलवे कॉलोनी का रास्ता है। रोड क्रॉस हो चुका है, मेरे पीछे मुरादाबाद का जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग पीछे आप देख रहे हैं। तो अभी वो लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं तो मैं दौड़ के जाऊंगा अभी।
मुरादाबाद के स्काउट हट, और ये हमारे जो क्या कहते हैं मुरादाबाद मंडल है वहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिशियल स्काउट हट है ये हमारा। और यहीं से हमारा जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो ऑपरेट होगा आगे के लिए। ब्लॉगिंग पर आम के पेड़ पे आम लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो स्काउट के बच्चे हैं उन्हें आम तोड़ने की इजाज़त नहीं है, तो मैं आपको आम को क्लोज करके दिखा। सेल्फी स्टिक से भी आम तोड़े जा सकते हैं वैसे। बिना नंबर की स्कूटी ट्यूबलाइट आ रही रसोई आड़े। हाँ तो कर दो, सामान लेना है अपने भाई को, सामान ने तो कर दिया। ये अन्नपूर्णा रसोई है, ये मुरादाबाद में है, तो जो कोई भी मुरादाबाद में रहता है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है खाने के लिए। हाँ बन गया है ब्लॉग, बन गया है ब्लॉग, यूट्यूब पे बनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? रामचंद्र ब्लॉग। ठीक है, आ जाएगा ना टॉप पे? टॉप पे तो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। कहाँ की बिल्डिंग है जी? ये कंट्रोल है ना? कंट्रोल नया भाई, कंट्रोल रूम बन गया है इधर। न्यू कंट्रोल रूम देखो, वो महिला कितनी मेहनत कर रही है, वो बताओ कितना रेता ले जा रही है बोझा उठा के। डीआरएम ऑफिस, तो अब हम आ गए हैं रेलवे कॉलोनी में। यहाँ नो पार्किंग नो हॉर्न के बोर्ड लगे हुए हैं, और यहाँ शायद वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं है। किन्ने कहा इसका? तो मैंने वीडियो देखा इस इंजन का। ये रहा अपना पुराने ज़माने का स्टीम इंजन है ये, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये इज्जत नगर डिवीजन का जो वो है वहाँ पे भी है ये, और ये मुरादाबाद मंडल का जो है वहाँ पे भी है। निकल जाओ ना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देख रहे हैं फ्रेंड, ये है
स्टीम इंजन से चलने वाला बुलडोजर, ये कोयले से चलता है। NR नॉर्दर्न रेलवे का ये बुलडोजर है, तो ये देख सकते हैं आप। पीछे है बुलडोजर यहाँ पर। अरे सही है, ये मुरादाबाद का मनोरंजन सदन है, मनोरंजन सदन मुरादाबाद। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज है विश्व पर्यावरण दिवस, तो लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर पेंटिंग का प्रतियोगिता रखा गया है। तो सभी बच्चे मिलकर ड्राइंग करेंगे और पर्यावरण दिवस के संबंध में और पर्यावरण को प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेंटिंग बनाएंगे, और इन पेंटिंगों को लेकर हमारी निकलेगी इसके बाद रैली। रैली के बाद हम लगाएंगे पेड़। यार देखा जो ना अपने मन से बना रहा, ये पता नहीं यूट्यूब में से देख के ऐसे ड्राइंग कैसे आ गई।
तुम रोक भी नहीं पाओगे अब। ये देखिए फ्रेंड, हम आ चुके हैं इस वक्त रेलवे हॉस्पिटल, और ये रही हमारे पीछे यूट्यूब ब्लॉग शूट कर रहा हूँ भैया जी। बहुत कटेगा जी, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू होने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं इस स्कूटी के पास में बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, और यहाँ पे नीचे मैं दिखाना चाहूँगा आपके लिए, देखिए ये पौधा रखा हुआ है, और सब भैया लोग मिलकर यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। और ये स्थान काफ़ी उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर पेड़ की छाई है, इससे जो है इस महीने में पेड़ को ग्रो होने के लिए पर्याप्त मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा। अगर यदि ये डायरेक्ट सनलाइट में लगते तो शायद ये हो नहीं पाते, लेकिन पर्यावरण दिवस इसी महीने में आता है तो ये कहने मतलब बड़े आश्चर्य की बात है। पेड़ भारी है, स्कूटी आगे करिए, बैठो चलो। अरे इधर बैठो एक पेड़ के पास, तो तुम्हें लग जाए ना उतर ना रहे। अरे तुम क्यों नहीं आ रहे, क्यों खड़े होकर पीछे? अरे रास्ते पर, अरे बैनर समेट दिया क्या? एक बार बैनर लेके खड़े हो जाना भैया, जल्दी को प्यास है। लगाना पेड़ का फर्क फॉर्मेलिटी नहीं है, शिद्दत से लगाओ, मन दे के कल को ये हो पेड़ हो जाएगा। ना दूसरे को बैठाएंगे, पानी लेकर डाल दो ना, पानी लेकर डाल दो, लो पानी मैं लेकर आता हूँ, पानी डाल दो। अब फिर ये तुम लोग, और जो जो तुमने पेड़ लगा दिया पानी पियो, शॉर्ट दो लोग आओ। मनीषा, मनीषा क्या नाम तेरा, भूल जाता हूँ नाम बताओ पहले, शिवांगी। चलो चलो चलो, रिपोर्टर भी यहाँ आज तक के हमारे साथ, आज तक के रिपोर्टर भी यहाँ बरेली से बुलवाएं खास। जैसा हो रहा है बरेली से, जब से ट्रेन लखनऊ वालों को अवार्ड मिलता है,
बरेली में अखबार में खबर छप रही है। मैं चलती ट्रेन पे भी चढ़ी ना, वो भी बना ली है। तो बना लूंगा ये लड़की। चलिए तुम अपने पार्टनर लो। अभी हटाते हैं, अभी हटाते हैं तो उसमें से निकाल दो ना उसे। अरे पहले खाने दो दे। उसमें और डालते हैं। हाँ किसमें डालो बाल्टी में। चलो आओ अब ऐसे खोलो। पन्नी निकाल दो, पन्नी हटाओ। देंगे ना अभी। अरे जा यार अभी एक मिनट रुक जा। पन्नी के नाम पे इसकी यार आता है लड़का भी बहुत। इधर आ पेड़ को भी पानी चाहिए। ठीक है ठीक है। मेरे भाई किसका फोन है ये? दीपक भाई इसको सीधा तो करो। दीपक भाई बाद में पी लेना पानी। मट्टी गड्ढा भरो पूरा जल्दी। ये है तो मट्टी, यानी मट्टी डालो जो फिर इसकी। चलो टीटीएल वाले बच्चे आओ, पानी डालो पानी इसमें। पानी डाल यहाँ से। टीटीएल वाले बच्चे आओ, टीटीएल वाले आ जाओ। डाल डाल दीदी दिल से लगाना, बढ़ जाना चाहिए। द्वारा खुद पानी आके डाले तो पड़ेगा ना। ना ना वो भैया रहते हैं डाल दे। पानी भी मैं लगाऊंगा पेड़ में। मणि नाथ के साथ तोड़ के भाई मैं मजदूर बुला गड्ढा करवाऊंगा। बर्फ दिया पानी कपड़े नीचे लोग बैठ खोदो। अच्छा भाई हट जाए लड़के सामने से। भैया खोद रहे हैं पानी देने के काम मेरा ही रहेगा। आठवां गड्ढा है, आठवां गड्ढा मेरा है। अब तगड़ा व्यक्ति ही खोदेगा, कमजोर तो खोद नहीं पाएंगे। लला इधर देख बेटा, इधर देख शकल तो दिखा दे। ठीक है कुल 10 मिनट की वीडियो बन जा बहुत है। इतनी जे बन रही वीडियो। इधर देख लड़के बस सही है। तो ये छोटे छोटे बच्चे बच्चों को ये कार्यभार सौंपा गया है पेड़ लगाने का। बड़ा कार्यभार हमारे भैया ने संभाला है। भैया अपना नाम तो बताओ इसमें। सुनील कुमार जी बेटा बाल्टी भरो। अभी घूमने चलेंगे किस तारीख को? शिमला। ठीक है घर पर बात कर लेना आपसे सब लोग। लड़कियां सारी लड़कियां इस पे आओ।
ये उसका रख दो पिछाले को, पिछाले गड्ढे में रख दो, अभी रुक जाओ, अभी पन्नी निकाल देने, ठीक है पन्नी उसी में निकालना रखते हुए है ना, हाँ अभी सारी बुक बिखर जाएगी, बिखर जाएगी, पेड़ नीचे रख दो, लड़कियां आते हैं तो लड़कों को ये नशा छोड़ के सामने ऐसे करके गुलाई में खड़े हो, कुछ बैठो कुछ खड़े हो जाओ, उस वाले गड्ढे में रख दो फिलहाल के लिए, अभी लड़के सारे मर जाओ, बाकी सब साइड मार जाओ, इधर बैठो बेटा, तुम इधर आओ, चलो अब पन्नी फाड़ो लगाओ, अरे तुम लोग हटो पीछे से, हटो चलो लड़के, तुम बैठो बिल्कुल हटो, इधर आओ इधर हट जाओ, बिल्कुल हटो इधर आओ, इस तरफ आओ, पीछे से बिल्कुल हटो, एक पेड़ को मारोगे क्या, चारों तरफ से घेर लिया, थोड़ा दो लड़के चार होने चाहिए, हटो चलो, पानी डाल दो इसमें, पानी लाके उधर से पानी लाके डालो, सही से लगाओ पेड़, इधर मिट्टी भरो, ए नेहा मिट्टी भरो, इधर फॉर्मेलिटी मत करो, इसे पेड़ से सही में पेड़ लगाया तुमने, तो ये सही से लगाया तुमने, इधर की मिट्टी कौन भरेगा, मिट्टी पे बैठ गए तो भरेगा कहाँ से, सही से लगाओ पेड़, और एक जाने जाओ उधर से मग्गा, एक मग्गा पानी लाओ यहाँ डालो, चलो हटो, अब हटो, हटो हटो सब हटो, हटो मैं पानी ला कर डालो, एक जब पन्नी फाड़ो उसकी, उधर जा समर, ऐसे उधर फाड़ो, हाँ बिल्कुल तुमने हट, अरे कता ही उसने, डालो मिट्टी अब जल्दी फटाक से, खराब हो जाएगा, पन्नी उठा ले, पन्नी उठा ले, पन्नी उठा ले, पानी डाल दो इसमें डालो, अरे अपने में भरो भरो से, भर के लाओ जाओ, सही से टूट ना जाए पेड़, पानी लेने में समझ ले, हटो हटो बेटा हट जाओ, फोटो लेने दो सचिन भाई, भैया सामने से हट जा, नाम बता दिया आप हमारा, अब इसकी बिना हो रही है, नाम भी बता अरे वीडियो बन रही तुम्हारी, टेलीस्कोपिक लेंस 10x जूम के साथ में, चलो जल्दी, अरे ठंडा है, लखनऊ,
ये है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की लिफ्ट। लेकिन गर्म क्यों है इसकी? हाँ ऐसी नहीं चल रही है। और ये हमारे इमरान खान भैया उधर खड़े हैं, परेशान हो गए आज। हाँ आ जा। अरे एक एक करके निकलो। चलो इमरान भाई फिर से बंद हो जाए ना तो जा। ये है लिफ्ट। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली है श्रमजीवी एक्सप्रेस। आने वाली है और अब हम इससे वापस जा रहे हैं मुरादाबाद से बरेली। से बरेली हमारे खान भैया ज़्यादा बढ़िया करके बोल रहे हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर कैरेज एंड वैगन।